आगे हम इसका मीडियास्टिनम पढ़ेंगे और ऑर्गन्स जो इसमें प्रेजेंट होते हैं थॉरक्स के अंदर सबसे पहले हम मीडियास्टिनम पढ़ेंगे जिसे स्पेस कहते हैं थॉरक्स के अंदर जो स्पेस है उसको मीडियास्टिनम कहते हैं जहाँ पे ऑर्गन प्रेजेंट होता है स्पेस प्रेजेंट बिटवीन दी ऑर्गन्स आगे बताया हुआ है कि सी मीडियल स्पेस गई है और लेटरल स्पेस बताइए जो मीडियल स्पेस है उसमें मीडियास्टिनम आ गई और लैटर स्पेस के अंदर प्लूरा और लंग आ गई मीडियल पोर्शन है जिसमें मीडियास्टिनम प्रेजेंट है वो हम पढ़ने लगे हैं कि टू पार्ट ऑफ मीडियास्टिनम है सुपीरियर मीडियास्टिनम इन्फीरियर मीडियास्टिनम सुपीरियर मिडियास्टिनम जो से एक इमेजिनरी लाइन है पासिस द स्टर्नल एंगल जिसे एंगल ऑफ लोइस करते हैं और डिवाइड दैम टू पार्ट्स इंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में ये डिवाइड हो जाती है जिसमें इंटीरियर इसके मैनी ब्रम्स्टन आए यहाँ की पोस्टीरियर इसके फर्स्ट फोर वर्टीप्राउज आ जाएंगे कौन से वाले टी फोर वर्टीप्राउज आ जाएंगे मीडियल पोर्शन के अंदर सॉरी मीडियल पोर्शन स्पीरियर पोर्शन जो सा इसका दिखाया हुआ है ना मिडियास्टिनम का वो नेक्स्ट बताया कि इसके अंदर कॉन्टेंट कौन कौन से सारे प्रेजेंट होंगे ऑर्गन लें कॉन्टेंट जो भी है थाइमस ग्लैंड हमारा जो सिस्टम है थाइमस ग्लैंड वो प्रेजेंट होगा लार्ज आर्टी और वेन प्रेजेंट होंगे चैकिया एसोफेगस प्रेजेंट होगी थ्रेसिक आउटलेट थ्रेसिक डक्ट प्रेजेंट होगी सिंपथेटिक ट्रंक प्रेजेंट होगा सुपीरियर में के अंदर सुपीरियर में हमने पढ़ लिया अब हम देखेंगे इंफीरियर में जो कि टी फोर से टी नाइन के लेवल तक है इसके तीन पार्ट दिखाए हुए हैं इंटीरियर पोस्टीरियर और मिडल इंटीरियर जोनसा है वो हार्ट और स्टर्नम के दरमियान है इंफीरियर मेडियास्ट्रीन का बिटवीन द हार्ट एंड स्टर्नम पोस्टीरियर जोनसा हार्ट और थोरेसिक वर्टिप्रा के साथ है आगे बताया गया जो मिडल पार्ट है वो हार्ट और पेरिकार्डियम है नेक्स्ट बताया गया जो इंफीरियर मेडियाट्रीन इज बाउंडेड इन फ्रंट बाय द बॉडी ऑफ स्टर्नम एंड बिहाइंड लोअर एट थोरेसिक वर्टिप्रा ये बाउंड्री उसकी बताई हुई है आगे कॉन्टेंट बताया गए इन्फीरियर मेडियास्टिनम के अंदर कौन कौन से अकाउंटेंट हैं सबसे पहले हार्ट थाइमस ग्लैंड, एसोफेगस फ्रैनिक नर्व वेगस नर्व थ्रेसिक डक्ट और अयोटा और हमारी आगे गई ट्रंक अब जो मेडियास्टिनम का मीडियल पोर्शन पढ़ लिया अब ये लेटर पोर्शन पढ़ने लगे हैं क्या लेटर पोर्शन में क्या आ रहा है इनर लाइनिंग ऑफ द केज है आर टू पार्ट ऑफ प्लूराज प्रेजेंट है इसके अंदर के प्लूरा और हमने लंग पढ़ा के ना लेटर पोर्शन के अंदर प्लूरा और लंग है तो अब प्लूरा की इन्होंने टाइप्स बताई हैं टू टाइप ऑफ प्लूरा है प्लूरा और हमारे पास है विजरल प्लूरा अब जो पराइटल प्लूरा ना उसने थ्रेसिक केज को कवर किया हुआ है और जो सा दूसरे वाला विजरल प्लूरा ना उसने लंग को कवर किया हुआ है स्पेस बिटवीन द प्लूरा इसका प्लूरा स्पेस और कैविटी टू रिड्यूज फ्रिक्शन ड्यूरिंग द लंग मूमेंट जब लंग में ड्यूरिंग इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जो फ्रिक्शन है ना उसको एवॉइड करने के लिए प्लूरल कैविटी के अंदर एक प्लूरल फ्लूड भी फील्ड होते हैं जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है जब प्लूरा का बताया गया स्पेस बिटवीन द प्लूरा बिटवीन द प्लूराज द्लूरा स्पेस कैविटी और रिड्यूज द फ्रिक्शन ड्यूरिंग लंग मूमेंट अगर पलमनरी लेगामेंट बताए मैं दे ब्रोंकाय एंटर इन द लंग ओपनिंग इज कॉल्ड हाइलम के पलमनरी लिगामेंट जिस किसे कहते हैं जब ये जो जूनसा है लंग के अंदर एंटर हो रहा है उस ओपनिंग को कहते हैं हाइलम ऑफ ओपनिंग और जो दूनसा यहाँ पे एक फोल्डेड एक्सटेंडेड पार्ट दे रहा है उसे पलमनरी लिगामेंट कहते हैं पलमनरी लिगामेंट पड़ा के जहाँ पे ब्रोंकाया एंटर होती है लंग के अंदर उसे हाइलम कहते हैं वहाँ पे एक एक्सटेंडेड फोल्डेड पार्ट प्रेजेंट है उसे पलमनरी लिगामेंट कहते हैं अब बताया हुआ है कि जिनसे प्लूराज प्रेजेंट है बॉडी के अंदर प्लूरल कैविटीज प्रेजेंट है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन के अंदर उनका बताया गया सर्वाइकल प्लूरा है, जो रूट ऑफ नेक को कवर करता है कोस्टल प्लूरा है जो कोस्टल कार्टिलेज की कवरिंग कर रहा है डायफ्रेगमेटिक प्लूरा जो डायफ्रैगम को कवर कर रहा है कोस्टो डाइफ्रेगमेटिक है जो कवर कर रहा है जंक्शन ऑफ कोस्टल और डायफ्रेगमन को कोस्टोमिडियास्टिनल जोसा है वो कोस्टल और मिडियास्टिनम को कवर कर रहा है ये डिफरेंट प्लूराज की टाइप बताई हुई हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कवर कर रही है सर्वाइकल को कोस्टल को डायफ्रेगमेटिक कोस्टो डाइफ्रेगमेटिक कोस्टो में नेक्स्ट इसका बताया हुआ है कि जो सी प्लूराज उनको नर्व सप्लाई कौन सी कर रही है टू टाइप ऑफ प्लूरा हमने पढ़े हैं प्राइटल प्लूरा और जो विजरल प्लूरा कैविटी को प्लाइटल प्लूरा कवर कर रहा है और जो विजरल प्लूरा है वो हमारे लंग को कवर कर रहे हैं प्राइटल प्लूरा उसको जिनसी सी इंटरकोस्टल नर्व है वो स क्या नाम है सप्लाई कर रही है सेंसरी और पेन फील्स ओन टच जो हमारे पास विजिटल प्लूरा ना वो इंसेंसटिव है टू पेन पेन को ये कोई सेंसटिव नहीं है पेन की सेंसेशन नहीं होती यहाँ स्ट्रैच सेंस को करता है और ऑटोनिक बिगे नर्व जो सी है उसके लिए है। अगर क्लिनिकल अनेटमी बताई हुई है इस प्लूरा की मेन जो थ्री एम सी क्यू के हवाले से दे आर थ्री डिजीज टू टू आर एक्सटर्नल वन इन इंटरनल नीमोथॉरिक्स हीमोथॉरक्स पायोथॉरिक्स नीमोथोरिक्स में एयर एंटर होती है हीमोथॉरक्स के अंदर जो हमारा ब्लड है वो ब्लीडिंग होती है थॉरक्स मतलब प्लूरास के अंदर और पायोथॉरिक्स के अंदर प्लूरल एफ्यू का बताया हुआ है फ्लूड मटीरियल डिपॉजिट होता है अब इनके ज़रा डेफिनेशन पढ़ लें जो पायोथरिक्स है उसको हाइड्रो हाइड्रोनीमोथरिक्स भी कहते हैं अगर बताया है कि दूसरी निमोथॉरक्स है एक्सेसिव एयर फील्ड इन प्लूरल स्पेस ब्लड फील्ड इन स्पेस और इन्फ्लमेटरी मीन्स के पास जो सा ना वो फील्ड होता है पायाथॉरिक्स के अंदर ये हमारा कंप्लीट हो गया प्लूरल रीजन है जो लेटर पोर्शन ऑफ में नेक्स्ट हम इसका ऑर्गन सिस्टम पढ़ेंगे ऑर्गन में जो मेन हमारा थॉरक्स का जो आ रहा है वो हमारा एक लंग है दूसरा हमारा हार्ट है जो थॉरक्स रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है अथॉरिक्स रीजन में सिर्फ जो सी एसोफेगस है स्टमक का जो पार्ट है वो पास आउट हो रहा है नोट स्टमक सिस्टम प्रेजेंट इन दथोरक्स केज एज ऑर्गन सिस्टम का बताया कि सबसे पहले जो हमारा लंग है उस मतलब लंग का जो रेस्पायरेटरी सिस्टम है वो बन कैसे रहा है सबसे पहले ट्रैकिया आती है मतलब नेजल का अगर सिस्टम दे पता हो कि नेजल कैविटी है उससे नीचे आके लेरेंगस है फिर लेरेंगस के आगे जो से यह ट्रैकिया हमारी स्टार्ट होती है ट्रैकिया हमारे इंटीरियरली प्रेजेंट होती है एसोफेगस के मतलब ट्रैकिया के जो पोस्टीरियर है ना वो हमारी एसोफेगस प्रेजेंट है जो हमारी एलिमेंट्री नाल है ट्रैकिया स्टार्ट एट द लेवल ऑफ सी सिक्स लेवल मतलब जो सर्वाइकल है ना सिक्स सर्वाइकल वर्टिपरा वहाँ से स्टार्ट और ये ट्रेवल्स करती है डाउनवर्ड फ्रॉम टू मेन प्रिंसिपल ऑफ टू मेन प्रिंसिपल ऑफ ब्रोंकाई है जो उनसे फर्दर हमारे बनते हैं ट्रैकिया जब टू अपार्टमेंट डिवाइड करती है तो ब्रंकाए बनते हैं फर्दर वो डिवाइड होती है उसे कैरना कहते हैं सी ए आर आई एंड ए कैरना जब वो फर्दर जिस पॉइंट पे वो डिवाइड हो रही है मतलब ये हमारी ट्रैकिया आ रही है ना तो ये ब्रंकाए में डिवाइड हो रही है तो इस पॉइंट को हम कैरिना करेंगे जो टी फोर के लेवल पे है ट्रैकिया हमारी सी सिक्स के लेवल पे है और जो उनसे हमारी ब्रंकाए की डिवीजन हो रही है ना इनटू डिवीजन ऑफ ब्रोंकाया मतलब जो ट्रैक टू पार्ट में बायफरकेट हो रही है उसे कैरी कहते हैं टी फोर के लेवल पे राइट लंग के अंदर थ्री लोब्स हैं लेफ्ट लंग के अंदर टू लोब्स हैं आगे बताई हैं कि ये सिंपल एक स्ट्रक्चर बताया हुआ कि ब्रुंका आगे फर्दर डिवाइड होकर क्या क्या बना रहा है ब्रंकाए फर्दर डिवाइड इन टू फॉर्म लोबुलर ब्रुकाए टर्मिनल ब्रुंका रेस्परेटरी ब्रंक्योल्स एल्वलाए एंड एल्व्यूलर सेक्स वेयर गैसेस एक्सचेंज ऑल ओवर अबव स्ट्रक्चर इज आल्सो कॉल्ड पल्मोनरी ट्री इस पूरे स्ट्रक्चर को पल्मोनरी ट्री भी कहते हैं आगे बताया कि जो राइट लंग है उसकी थ्री लोबुलर ब्रोंकाई है और लेफ्ट लंग के अंदर टू लोबुलर ब्रोंकाई है रिंग्स प्रेजेंट होते हैं ये अब हम ट्रैकिया का स्ट्रक्चर से पढ़ने लगे हैं सबसे पहले हम ट्रैकिया का पढ़ेंगे कि ट्रैकिया के ऊपर एक ये हमारी ट्रैकिया है इसके ऊपर ये सी शेप रिंग्स या कार्टिलेज प्रेजेंट है जिसे हाइलन कार्टिलेज कहते हैं रिंग्स आर प्रेजेंट ऑन द टैकिया कार्ड हाइलन कार्टिलेज प्रोस्टीरिया मसल प्रेजेंट विच मेंटेन्स द स्ट्रक्चर जो सा ट्रैकिया जिसने टैकिया को होल्ड किए हुए हैं वो टैकियालेस मसल है हमारा अगर ट्रैकिया की लेंथ बताई हुई है इलेवन पॉइंट टू फाइव सेंटीमीटर है सेंटीमीटर के अंदर है इलेवन पॉइंट टू फाइव और इंचिस के अंदर है फोर पॉइंट फाइव इंचिस डायमीटर इसका टू पॉइंट फाइव है मीन्स के वन इंच वन इंच इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव अगर रिलेशंस बताए हुए हैं अब हम ट्रैकिया के रिलेशंस पढ़ने लगे हैं कि ट्रैकिया के इंटीरियर पोस्टीरियर राइट लेफ्ट क्या क्या प्रेजेंट है तो जो ट्रैकिया के इंटीरियरली प्रेजेंट है स्टर्नम थाइमस ग्लैंड एयोटा क्योम आर्टरी पोस्टीरियर इसके एसोफेगस प्रेजेंट है राइट right, पे जो से ट्रैकिया के राइट right पोर्शन पे प्रेजेंट है राइट एसोफिग राइट बेगस नर्व राइट कॉमन आर्टरी राइट सपक्लेवियन आर्टरी, सेम इसी तरह लेफ्ट साइड पे लेफ्ट बेगेस्ट नर्व कॉमन कोरेटेड आर्टरी और लेफ्ट सपक्लेवियन आर्टरी। अब हम ट्रैकिया की पढ़ेंगे ब्लड सप्लाई के ट्रैकिया को कौन सी ब्लड सप्लाई जा रही है तो जो ट्रैकिया का टू थर्ड पार्ट है अपर टू थर्ड पार्ट है सप्लाई बाय द इन्फीरियर थायरॉयड आर्टरी और वन थर्ड पार्ट जो लोयर है उसको ब्रंकिल आटरी कर रही है टू मेन आर्टरीज हैं जो हमारी को सप्लाई करें अपर पार्ट को कर रही है थायरॉयड आटरी लोअर पोर्शन को कर रही है ब्रों के नर्व सप्लाई जो सी है ना वो बेगस नर्व है अपर पार्ट को सप्लाई कर रही है और जो लोअर उसका पार्ट है ना वो लेरेंजियन नर्व है लेरेंस के लेवल पे ट्रैकिया का जो लेरेंगस का लेवल है पर वहाँ पे लेरेंजियन नर्व है और बाकी जो उन रिमीनिंग पार्ट है उसको हमारी वेगस नर्व पास कर रही है नर्व सप्लाई दे रही है लिम्फेटिक ड्रेनेज बताया हुआ है कि प्री ट्रैकियल और पैरा ट्रैकियल वैक्सल्स है ड्रेनेजेंटू हूं सर्वाइकल नोड्स जो सर्वाइकल के अंदर नोड्स हैं लिम्फेटिक नोड्स जिसे लिम्फ नोड कहते हैं उसकी जो टू मेन वैसल्स बताइए पैरी ट्रैकियल और पैरा ट्रैकियल वैसल्स हैं जो लिम्फेटिक ड्रेनेज दे रही हैं ट्रैकिया को अगर हम पढ़ेंगे ब्रोंकाई ब्रोंकाई गिव्स ब्रांचेस एंड फॉर्म ब्रोंकोपलमटी जो हमने आगे देख पीछे देखा ना कि ब्रोंकाई डिवाइड होती है लोबुलर ब्रोंकिया ब्रोंकियोल्स के अंदर और फर्दर ब्रोक्योल्स बनती है टर्मिनल है एल्विला और सैक वगैरह ये अब हम ब्रंकाए पढ़ने लगे हैं कि लेफ़्ट और राइट right ब्रंकाए भी एक दूसरे से डिफर करती हैं जो लेफ्ट और राइट right लो लंग के अंदर जा रही है ना ब्रंकाए अब बताया कि जो उन ब्रोंकाहए है ना सबसे पहले जो राइट right की है वो वाइडर होती है और लेफ्ट वाली नैरो होती है राइट right की वाइडर ब्रंकाए लेफ्ट की नैरो ब्रंकाए लेफ्ट लंग की जो ब्रंकाया है वो हमारे पास वाइडर ब्रुकाए बताई हुई है और लेफ्ट की है नैरो शॉर्टर ब्रुककाए और जो सी लेफ़्ट की है वो लार्जर होती है लेंथ बताइए हुई है राइट वाले की टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर मतलब वन इंच और इसकी टू इंच बताइए कि फाइव सेंटीमीटर लेंथ है ये हॉरिजॉन्टल बताइए और ये ट्रांसवर्स बताइए हुई है थ्री पार्ट है इसके और इसके टू पार्ट है मतलब कि राइट वाले की थ्री आगे फर्दर डिवीड लोबलर ब्रुकाएसपी मिडल और इंफीरियर और ये जो सी है लेफ़्ट वाले के अंदर लेफ्ट लंग के अंदर टू लोबलर ब्रुनकाए जैसे एसपी और इन्फीरियर कहते हैं अब इसने बताया कि जो स्पीरियर लॉब ऑफ द राइट लंग फॉर्म द स्पीरियर लॉबलर बिफोर एंट्री इन द लंग के लंग के अंदर एंट्री से पहले ही स्पीरियर लॉबलर ब्रोंकाई बन जाती है देन फर्दर इनटू मिडल एंड इन्फीरियर के जो सी ब्रुकाए है ना लॉबलर ब्रोंकाई तो सबसे पहले स्पीरियर बनती है बाहरी लंग के बाहर और जब लंग के अंदर एंटर होती है तो ये एक मिडल और एक इन्फीरियर पोर्शन दे देती है अब हम लंग का थोड़ा डिफरेंस देख लेंगे कि राइट लंग और लेफ्ट लंग के अंदर क्या क्या डिफरेंस है जो राइट लंग है उसके अंदर थ्री लोब है लेफ्ट के अंदर टू लोब्स है राइट लंग जो हमारे पास लार्जर बताया लेफ्ट लंग जो सा है वो शॉर्टर दिखाया हुआ है राइट लंग जो सावियर है हैवी है और जो सा लेफ्ट है वो हमारे पास लाइटर दिखाया है राइट लंग के अंदर टू फिशर्स है जिसे ओब्लिक और हॉरिजॉन्टल फिशर कहते हैं और जो सा लेफ्ट लंग है उसी के अंदर एक ही फिशर प्रेजेंट है जिसे ओब्लिक कहते हैं ये फिशर ही डिफाइन डिवाइड करते हैं लोब्स के अंदर टू लोब्स को डिवाइड किया अब्लिक फिशन ने और थ्री लोब्स को डिवाइड किया अब्लेग और हॉरिजॉन्टल फिशन ने आगे बताया हुआ कि जो राइट लंग है उसकी लोब वगैरह बताए हुए हैं कि किस तरह बन रहे हैं फिशर तो वगैरह जो अब्लिक फिशन है स्टार्ट करते हैं इंफीरियर बॉर्डर एंड रन अपवर्ड एंड बैकवर्ड एंड क्रॉस कोस्टल सर्फर आंटी रिचिज इट्स अबाउट टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर बिलो द अपैक्स के मूव करता है नीचे से ना अपवर्ड की तरफ ओब्लीक फिशर मूव कर रहे हैं राइट right है, लंग के अंदर होरिजेंटल जो सा रंज होटली अक्रॉस द कोस्टर एट द फोर कोस्ट्रल कार्टलेज टू मीट द ओब्लीक फिशर एट द लैबल ऑफ मिड एक्सिलरी लाइन अब जो लंगेक्स बताई हुई है कि अपैक्स क्या प्रोजेक्टेड अपवर्ड द रूट ऑफ द नैक एंड वन इंच अबव द कलेविकल कि वन इंच जो हमारा क्लेविकल का लेवल है वन से वन इंच अबव है इसकी अपेक्स बेस बताई हुई है लंग की जो सी है वो कनकेव है हैविंग लोअर प्लेस टू डायफ्राम के डायफ्राम जो सा है वो हमारे ये हमारे मीन्स की ये हमारे लंग हो गए हैं तो ये हमारा कनकेविटी दिखाई है ये हमारा डायफ्राम प्रेजेंट है थ्री बॉर्डर्स बताई हुई हैं इंटीरियर इंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लंग डोनसा इंफीरियर सेपरेट द डायफ्राम कि ये हमारा इंफीरियरली प्रेजेंट है नेक्स्ट जो इंटीरियर थिन कवर हार्ट को जोसा है ना बॉर्डर उसने कवरिंग दी हुई है हार्ट के साथ हार्ट के साथ नहीं दी बस उसके दरम्यान एक थिन कवरिंग प्रेजेंट है पस्टीरियर सा है वो सी सेवन और टी टेन के दरम्यान है ओवर हेड ऑफ रिब्स के साथ जो हिप का रेड है ना रिब का रेड रिब का हेड बताया हुआ है वर्टिब्रा के अटैचमेंट पे पोस्टेरियली लंग की सर्फिस बताई हुई हैं टू सर्फिस है कॉस्टल सर्फेस और मीडियल सर्फेस मीडियल जो सी है वो इनर साइड पे प्रेजेंट है जो कॉस्टल सर्फेस है वो बारी बाहर वाली सारी सरफेस है जिसे रिब ने कवर किया हुआ है ब्लड सप्लाई बताई हुई है कि ब्रोंकियल आर्टरी है विनगस सॉरी वेनस सप्लाई बताई कि ब्रोंकियल बेन्स है जो ड्रेन होती है एजेग वेन के अंदर और जो एज एगेस वेन है वो फर्दर पलमनरी वेन जो उसके है उसके अंदर ड्रेन होती है नेक्स्ट बताया हुआ है कि जो हमारी नर्व है वो हमारी बिगेस्ट नर्व सप्लाई करिए पलमनरी से बन रहा है लम्पेटिक ड्रेनेज एक्सपीरियर और डीप सुपरफिशियल ड्रेनेज डीप है सुपरफिशियल जो सांको पलमनरी नोट के अंदर और जो सा डीप हमारे पास लम्पैटिक ड्रेनेज आ रहा है वो पलमनरी नोट के अंदर आ रहा है अब हमने जो से ब्रोंकोपलमनरी ट्री पड़ा अब उसके हम सेगमेंट पढ़ने लगे हैं ब्रोंकोपलमनरी सेगमेंट्स एनाटोमिकल फंक्शन और सो सर्जिकल जूनट ऑफ द लंग के सर्जिकल रिमूवल के हवाले से भी ये सेगमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई डिज़ीज़ चाल रही है लंग के अंदर तो हम उस एरिया को सेगमेंट को लंग से रिमूव कर सकते हैं टर्मिनल और जो टर्मिनल ब्रंकाई भी कर सकते हैं और ट्री ब्रंकाई भी कर सकते हैं राइट क्या हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि थ्री लोब्स हैं अपर लोब मिडल लोब और लोअर लोब अपर लोब के अंदर आता है पैक्स इंटीरियर और पोस्टीरियर ब्रुकाए ये जो उनसे नियम है उनके शॉर्ट फॉर्म बताइए मिडल के अंदर मीडियल लेटरल आ रही है और जो उनसे लोअर लोब के अंदर उसके अंदर जो एपिकल टर्मिनल ब्रांच है इंटीरियर टर्मिनल ब्रांच है पोस्टीरियर टर्मिनल ब्रांच है मीडियल टर्मिनल ब्रांच और लेटर और जो उनका लेफ्ट है ना उसके अंदर आ रही है टू लोब्स हैं टू लोब के अंदर अपर और लोअर आ गया अपर के अंदर आता है जिसे एपिकल भी कहते हैं और लोयर वाले और स्पीरियर आगे जो अपर लोब है उसके अंदर इंटीरियर टर्मिनल ब्रांच इंफीरियर टर्मिनल ब्रांच और पोस्टीरियर टर्मिनल ब्रांच है और सुपीरियर के अंदर भी फाइव ब्रांचेज है सेम इसके लोअर लोब की तरह एपिकल इंटीरियर पोस्टीरियर मीडियल लेटर आगे बताया कि प्रोजेक्टेड एरिया ऑन द पेरी कार्डियल सर्फेस एंडियल एंड दी मिडल लोब इसे लिंगुला कहते हैं एक प्रोजेक्शन दिखाई जिसका नेम है जिसका परमोनरी लिगामेंट प्रोजेक्शन बताइए ये ना फोल्डेड है उसी तरह ये पेरिकार्डियल सरफेस जून सी है हमारे इला की जो पेरिकार्डियल सरफेस है वहाँ पे एक प्रोजेक्शन एरिया बताया हुआ उसको है उसको लिंगुला कहते हैं अब जो हमने ये ब्रोंकोपलमरी सेगमेंट पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे कि इनका क्या क्या फ़ायदा है सब डिवीजन ऑफ लंग लंग लोब हुई है सब डिवीजन ऑफ द लंग लोब इट इज पैरामिड शेप अपैक्स टूवर्ड द लंग रूट इट इज़ सराउंडेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू इट हैज अ सेगमेंटल ब्रोंकस सेगमेंटल वेन आर्टरी और लिम्फ बैजल्स ऑटोनोमिक नर्व इसका मतलब है कि जो सेगमेंट अंदर बताया ना सब सेगमेंट की अपनी आर्टरी की सप्लाई है बेन की सप्लाई है लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम है और ऑटोनोमिक सिस्टम है बिकॉज एनी पैथोलॉजी अगर इन द लंग डेड सेगमेंट इज़ रिमूव नॉट कम्प्लीट लंग रिमूव उस सेगमेंट को ही हम रिमूव कर देंगे पूरे लंग को हमें रिमूव करना नहीं पड़ेगा